हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में झुंझलाकर या बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो मैं यू कैन विन वाई शिवा केरी में पढ़ी थी। इसे ध्यान से सुनिए और इसे मिलने वाली सीख को गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, बोलते हुए सब वापस नहीं आते, कहा जाता है ना, बंदूक से निकले हुए गोली और जुबा से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है, तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलता है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये ध्यान में रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। हाँ, आप इस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी ही चाहिए, पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हॉट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो है कि चुप रह जाए। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ खो देता है और वह जब अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसे एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है, तो तब तक देर हो जाती है। इसीलिए हम सभी को मूल्य कर्तव्य बार याद रखना चाहिए, जैसे कि चंदन का पेड़ अपनी शीतलता कभी नहीं खोता, सूरज सूर्योदय और सूर्यास्त होना कभी नहीं भूलता। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।